व्यूअर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है RFID बेस कार पार्किंग सिस्टम विद डेटाबेस। तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे पावर सोर्स के लिए 5 वोल्ट और 3 एम्पीयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है। इसके बाद एक अर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद RDM6300 RFID रिसीवर यूज किया हुआ है। इसके बाद एक SG90 सर्वो मोटर यूज की हुई है बैरियर कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद 8 इंफ्रारेड सेंसर यूज किए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक इंफ्रारेड सेंसर इंटर पे यूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक एग्जिट पे यूज किया हुआ है और साथ ही 6 स्लॉट के लिए 6 IR सेंसर यूज किए हुए हैं। और यहाँ पर हमने 20x4 की LCD यूज की हुई है। LCD के पीछे हमने I2C मॉड्यूल यूज किया हुआ है। इस जगह पे हमने RFID की क्वाइल लगाई हुई है जो कि इस RFID टैग को रीड कर रही होती है। तो इस RFID टैग के अंदर जो क्वाइल है उस क्वाइल के मुताबिक हमने इसको कट कर लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी के नीचे इस टैग को काट के लगा दिया हुआ है। जैसे ही गाड़ी RFID रिसीवर से गुजरती है तो RFID रिसीवर इस टैग का डाटा रीड कर लेता है। इस टैग के डाटे के मुताबिक आगे कंप्यूटर पे हमने जो डाटाबेस बनाई है उसमें इंटरेस्ट टाइम और एग्जिट टाइम सेव हो जाता है डाटाबेस में। इसके बाद यहाँ पर हमने कंप्यूटर पे विजुअल स्टूडियो से डाटाबेस बनाई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे गाड़ी का स्टेटस शो कर रहे होते हैं और साथ ही टैग का नंबर शो कर रहे होते हैं। जैसे कि गाड़ी हमारी इंटर हो रही है तो यहाँ पर गाड़ी का स्टेटस इंटर शो होगा, और जैसे ही गाड़ी एग्जिट होने लगेगी तो गाड़ी का स्टेटस एग्जिट शो होगा और साथ उसका नंबर शो होगा। तो यहाँ पर हमने डाटाबेस के लिए एक अलग से फाइल बनाई हुई है। तो ये हमारी डाटा रिव्यू की फाइल है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे नेम और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमें गाड़ी का टाइम और डेट, इसके बाद स्टेटस यानी कि एग्जिट हुई है, ये इंटर हुई है, और साथ ही टैग का नंबर शो हो जाता है। तो चलिए अब इसको पावर इन कर लेते हैं। तो जैसा कि सर्किट को हमने पावर इन कर दी हुई है, अब हम यहां से विजुअल स्टूडियो की फाइल रन कर लेते हैं। तो यहां पे फाइल हमारी रन होगी हुई है। तो यहां से हम कॉम्पोर्ट ओपन कर लेंगे। तो जैसे हमने कॉम्पोर्ट ओपन की है तो अर्डिनो हमारा लैपटॉप के साथ अटैच हो गया हुआ है। अब जैसे ही कोई भी गाड़ी इंटर होगी तो उसका टैग नंबर और स्टेटस फाइल में शो हो जाएगा। तो जैसा कि 6 स्पेस हमारी फिल हो चुकी हुई है, अब नेक्स्ट कोई भी गाड़ी आएगी तो LCD पे लिखा हुआ आ जाएगा सॉरी पार्किंग फुल। अब हम किसी भी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालेंगे तो उसका स्टेटस एग्जिट शो हो जाएगा और टैग नंबर और इसके बाद टाइम और डेट के साथ स्टोर हो जाएगा। तो अब हम यहां से डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। अब हम यहां से यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो जैसे ही हमने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन किया है तो यहां पे हमें व्हीकल की आईडी और साथ उसका स्टेटस शो हो गया हुआ है टाइम और डेट के साथ। डेटाबेस में हमें शो हो गया हुआ है कौन सी गाड़ी कितने बजे इंटर हुई है और कितने बजे एग्जिट हुई है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट कार पार्किंग सिस्टम विद डेटाबेस।